अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा दी गई है। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण मामले में स्पेशल एनआईए एटीएस कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित अन्य 10 आरोपियों को धर्मांतरण मामले में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुना दी है। कोर्ट ने अन्य 4 आरोपियों जिनमें राहुल भोला, मन्नू यादव, इसके अलावा कृणाल अशोक और चौधरी के साथ ही सलीम जो है, उन सबको 10-10 साल की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण मामले में एटीएस ने 2 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिनका नाम मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी था। ये लोग इस्लामिक दवा सेंटर दिल्ली में चलाते थे। ये कमजोर वर्ग गरीबों, दिव्यांगों को पैसे की लालच देकर धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। इनके लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ कई अन्य प्रदेशों में भी फैले हुए थे। कुल 17 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। उनमें से 16 को कोर्ट ने सजा सुनाई है। 12 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और अन्य 4 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। सरगना मौलाना उमर गौतम, जहांगीर आलम कासमी, कालिम सिद्दीकी सहित 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण के संबंध में एटीएस ने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 2 लोग नामजद थे, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी था। ये लोग एक इस्लामिक दावा सेंटर नई दिल्ली में संचालित करते थे और इनके द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों, दिव्यांग जनों तथा गरीब लोगों को प्रलोभन देके, पैसे की लालच देके एक अंतर्राज्यीय रैकेट चलाया जाता था। इनके लोग विभिन्न जनपदों, विभिन्न राज्यों जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य प्रदेशों में भी फैले थे। इस पूरे केस का जो पर्दाफाश इस तरह से हुआ कि गाजियाबाद के एक आश्रम में एक व्यक्ति सर्जिकल ब्लेड के साथ घुसा था और जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो पूरे चीज़ का, इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हुआ। जब ये चीज़ें पुलिस के द्वारा बताई गई थी तो ये लोगों को बहुत इस पे डाउट्स भी थे। हम लोगों ने इसमें कुल 17 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट एनआईए कोर्ट लखनऊ में हमारे एटीएस ने दाखिल किया था और आज ये हर्ष का विषय है कि उसमें से 16 व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें से कि 12 व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर सजा का ऐलान किया गया है और 12 व्यक्तियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड तथा 4 लोगों को 10 साल की कठोर सजा तथा अर्थदंड से दंडित किया गया है। 1000 से ज्यादा लोगों के अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस एनआईए की कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी मानते सजा का ऐलान किया। आपको इस पूरे मामले में आपको बता दें करीब 12 आरोपी ऐसे हैं जिनको जहां आजीवन कारावास सजा सुनाई है, वहीं करीब 4 आरोपी ऐसे हैं जिनको कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। मन्नू यादव, राहुल भोला, मोहम्मद सलीम, कुणाल अशोक, चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं उसके अलावा आपको बता दें कि मुख्य रूप से जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण के पूरे मामले में लगातार सुनवाई
सुनवाई चली, उस पूरे मामले में 16 आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम मुख्य रूप से इस पूरे मामले में कहने के आरोपी माने गए हैं और करीब 12 आरोपी ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। निश्चित तौर पर लगातार अवैध धर्मांतरण के मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और करीब 16 आरोपी ऐसे हैं जिनको इस पूरे मामले में कोर्ट ने दोषी माना है, जिसके बाद सजा का ऐलान किया है। 12 आरोपी ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई है, वही 4 आरोपी ऐसे हैं जिनको आपको बताया 10 साल की सजा है वो सुनाई है। धर्मांतरण मामले में आज एटीएस और नई कोर्ट में सुनवाई थी, सजा का ऐलान किया गया है। हमारे साथ वकील साहब मौजूद आलोक जी, क्या कुछ रहा कोर्ट में, क्या सुनवाई? आज एटीएस बनाम मौलाना कलीम सिद्दीकी व अन्य में जजमेंट आए हैं, उसमें सजा 16 लोगों को सजा दी गई है, जिसमें टोटल 17 अक्यूज थे, 1 लोगों पे स्टे हुआ है और 16 लोगों में से 12 लोगों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, जिसमें से बाकी 4 लोगों पर मैक्सिमम 10 साल की सजा व अर्थदंड सुनाए गए हैं। जी, जो जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई वो उनके नाम बता दीजिए। उनके नाम जैसे कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम व इस तरीके से और अन्य हैं, जिसमें मतलब उम्र कैद की सजा सुनाई गई मैक्सिमम 10 साल की सजा सुनाई गई। 4 लोगों में 10 साल की सजा जिनको दी गई उनका मोहम्मद सलीम, अशोक कुणाल चौधरी, राहुल भोला, मन्नू यादव, इन 4 लोगों को मैक्सिमम 10 साल की सजा व अन्य सुनाई करते। कोर्ट ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले? कोर्ट ने गंभीर मामले थे इसलिए उन्होंने जो हम लोग सबूत रखे थे उधर प्रोसिक्यूशन के साइड से जो सबूत रखे गए थे, तो प्रोसिक्यूशन के सबूतों को मान्यता देते हुए उन्होंने ये सारी सजा दी गई है उसमें। जी, दूसरा पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा? दूसरे पक्ष की तरफ से हम लोग अपना पक्ष में ये रखे कि हमारे तरफ कोई भी जो आरोप लगाए गए हैं आरोप पत्र में वो बेबुनियाद और निराधार हैं और उसके लिए सिर्फ वीडियो और कनेक्टिविटी चार्ट मामली से लगा के मौलाना कलीम सिद्दीकी पर ये सारे आरोप लगाए गए जो कि बेबुनियाद हैं। इसके लिए हम आगे सोचेंगे हाईकोर्ट तक जाने के लिए। किसको आरोपी मांगा कोर्ट? इसमें उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी व अन्य जो भी हैं। क्या सजा सुनाई? सजा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उम्र कैद और अर्थदंड। जी, अवैध धर्मांतरण का जो मामला था इस पूरे मामले को लेकर नई एटीएस की कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया गया है। करीब 12 आरोपी ऐसे जिनको उम्र कैद सजा सुनाई गई है, वही 4 आरोपी ऐसे हैं जिनको 10 साल की सजा और उसके अलावा जुर्माने को लेकर भी सजा है वो सुनाई गई है। धर्मांतरण ऐसा अपराध है जो देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है और धर्मांतरण को लेकर के जिस तरह की पिछली सरकारों में नरमी रही है जिसके कारण धर्मांतरण लगातार बढ़ता रहा, संस्थागत रूप ले चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धर्मांतरण पर कठोर नियंत्रण लगाने का काम किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो फैसला किया है, इस फैसले से धर्मांतरण करने वाले गिरोह में निश्चित तौर पर अब डर बैठेगा और धर्मांतरण जैसे एक बड़ी समस्या से हम निजात की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो है आरोपियों को सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया जिसमें सिद्दीकी सहित 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तो बड़ी खबर आई जहां धर्मांतरण को लेकर ये बड़ा फैसला जो है वो कोर्ट का आया है। ऐसे में इधर फतेहपुर में भी दोषी ठहराए मौलाना उमर गौतम के खिलाफ सदर कोतवाली में धर्मांतरण का केस दर्ज है। उमर गौतम फतेहपुर में साल 2021 में लखनऊ बाईपास के नरुल हदा स्कूल में आता जाता था। स्कूल में धर्म विशेष को लेकर सभाएं होती थी। महिला टीचर ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। आपको बता दें कि उमर गौतम पथुआ गांव का रहने वाला है। अब क्या हुआ है? अब इस वक्त देखिए हमारे टाइम में तो हमने जो दर्ज करवाया था प्रशासन ने हमको दर्ज किया, चार्जशीट भी लगा दिया। चार्जशीट लगाने के बाद कोर्ट गया, कोर्ट में क्या कोर्ट क्या आदेश देती है उस हम भी वेट कर रहे हैं उसी का जो आदेश होगा हम सरकार पर। एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशनिस्ट होते हैं, रातें स्कूल आना जाना होता रहा उनका, बाकी उनका कोई जो भी उनके जिस मामले में वो गिरफ्तार हुए, जिस मामले में उनकी मामला चल रहा है, उस मामले में स्कूल का कोई रोल हो तो आप बताए या बोलो। महिला ने तो आरोप लगाया ना, महिला के आरोप लगाने से, मैं सर ये बताइए, महिला ने आरोप लगाया, महिला सबूत देना भाई, महिला को सबूत देना चाहिए। आरोप तो आपने लगा दिया। क्या कुछ बच्चों को सिखाते या पढ़ाते भी थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाते भाई। जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं वो उर्दू पढ़ते हैं, जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं, ये है। और अरबी जो है, अरबी की बात हुई, उर्दू की बात हुई, अरबी उर्दू CBSE बोर्ड में बाकायदा सब्जेक्ट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसका एग्जाम होता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई अनोखे हम हो जाएंगे कि हम अपने तरफ से आपका पूरा उसको बना दें। हमारा नाम मोहम्मद उमर। उमर साहब स्कूल में क्या है? हम देखते हैं स्कूल क्या है, हम स्कूल के हैं कुछ नहीं,
स्कूल देखते हैं, क्योंकि फादर हमारे शुगर हार्ट के पेशेंट हैं, इस नाते से स्कूल देखते हैं।